अब कैसे खेलेगा टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी, वो भी वर्ल्ड कप, क्योंकि कैप्टन रोहित शर्मा का हुआ कार दुर्घटना। तो दोस्तों आखिर कैसे और कब, वो भी रोहित शर्मा का हुआ कार दुर्घटना, बताएंगे हम आपको पूरे खबर की जानकारी, वो भी पूरे डिटेल के माध्यम से। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बिना समय लेते हुए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि अभी टीम इंडिया का जो कि वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है, और दोस्तों इन्हीं सब के बीच एक ऐसी अपडेट जो कि रोहित शर्मा को लेकर आ रही है। और दोस्तों बता देना चाहते हैं कि रोहित शर्मा जो कि अपने एक दोस्त के बर्थडे पार्टी अटेंड कर घर वापस आ रहे थे, तभी उनका कार एक्सीडेंट कर गया है। और दोस्तों उसमें रोहित शर्मा के पैर में खूब ज़्यादा चोट लग गया है, जिस वजह से रोहित शर्मा हो सके तो वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे। लेकिन दोस्तों आप सोच सकते हैं कि इस तरह से टीम इंडिया के कैप्टन के साथ इस तरह की घटना जो कि घट जाना अचानक से कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए एक बुरा होगा। और दोस्तों इस तरह से रोहित शर्मा के साथ इस तरह की घटना घट गई है, यह सब खबर सुनकर रोहित शर्मा की पत्नी भी खूब ज़्यादा शॉक हो गई है, और पूरा टीम इंडिया वाले भी शॉक हो गए हैं कि इस तरह का रोहित शर्मा, वो भी कैप्टन के साथ इस तरह की घटना, वो भी अचानक से घट जाना। लेकिन दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहेंगे रोहित शर्मा के साथ इस तरह की घटना घटने के बारे में, क्या रोहित शर्मा वर्ल्ड कप खेलेंगे या फिर नहीं? आप लोग आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, कि रोहित शर्मा बहुत जल्द ठीक होकर, वो भी भगवान से दुआ प्रार्थना भी करिएगा भगवान से कि रोहित शर्मा जल्द ठीक होकर टीम इंडिया के लिए इस मैच को खेलें।